हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू क्लास में। साथियों, पिछले क्लास में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए थे, तो त्रिकोणमिति में हम आपको अंतिम में 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में नाम लिए थे। हम बताए तो नहीं थे, लेकिन यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात का नाम लिए थे। लेकिन अब पिछले क्लास में आपको लंब, कर्ण, आधार चिन्हने के लिए बता दिए थे कि कहाँ से कौन लंब बनेगा, कहाँ से कौन आधार बनेगा, कहाँ से कौन कर्ण बनेगा। लंब, आधार, कर्ण अच्छे तरीके से चिन्हने आ गया तो आपके लिए त्रिकोणमिति काफी आसान हो जाएगा। तो हम एक क्लास में आपको तो मानिए तो सिर्फ लंब, कर्ण, आधार ही चिन्हने के लिए बताए थे, तो अंतिम में हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात का नाम लिए थे। कौन कौन सा? साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक, यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो इसी का आज हम पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, या एक समकोण त्रिभुज है, मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी सी नामकरण कर लेते हैं, जहां जिसका कोण बी 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है और इस एंगल से आपको थीटा लेना है, तो यहां से लंब, कर्ण, आधार कौन कौन होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्लास में बताए थे कि सामने का भुजा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री के सामने का भुजा जिस एंगल से लेना है उसके सामने का भुजा लंब कहलाता है, यानी लंबवत हो, और सतह से जुड़ा हुआ भुजा आधार कहलाती है। अब इतना तो क्लियर। अब यहां से सिर्फ साइन है, कोस है, टैन है, कोट है, कोसेक है और सेक है। अब देखिए, हम कुछ यहां से आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो देखिए, पहले हम फॉर्मूला बताने से पहले आपको रिलेशन से फॉर्मूला, अगर इस ऐसे साइन थीटा बराबर बता दिए, कोस थीटा बराबर बता दिए, तो ये आपको रटना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ रिलेशन से आपको बताएंगे फॉर्मूला। रिलेशन से बताने से क्या होगा कि ये साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक आपस में इसका रिलेशन से बताएंगे, तो आगे चलकर और हम इस रिलेशन से जो फॉर्मूला निकालेंगे आपका माइंड में बना रहेगा। तो चलिए, हम पहले रिलेशन से आपको फॉर्मूला निकाल लेते थे। देखिए, आप सपोज कीजिए कि एक किसी गांव में, आप एक कहानी से सुनिएगा, इससे इमेजिन कीजिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो आप सोचिए कि एक किसी गांव में, एक घर में तीन लड़के हैं। एक घर में कितने लड़के हैं? तीन। और तीनों लड़का का नाम क्या है वो आप यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट लड़का का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा और तीसरा का नाम है टैन थीटा। इतना पहले समझ में आया? किसी गांव में, एक घर में तीन लड़के हैं। जिस घर में बड़े लड़के का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कॉस थीटा और तीसरे का नाम है टैन थीटा। अब एक बात यहां से जान लीजिए कि जो साइन थीटा पढ़ रहे हैं, अगर थीटा की जगह कभी ए भी हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, कॉस ए भी हो सकता है, टैन ए भी हो सकता है, यानी कि ये कोण हमेशा बदलते रहेगा। एबीसीडी के कोई अक्षर भी हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ थीटा इसलिए लिए कि यहाँ पे कोण जो हम सी माने, यहाँ थीटा से लंब, आधार और कर्ण लिख दिए, तो हम साइन थीटा बराबर पहले फॉर्मूला आपको निकाल कर बताते हैं। तो आप मानिए कि एक गांव में एक घर है, उसमें तीन लड़के हैं, जिसमें बड़े बेटा का नाम है साइन थीटा, उससे जो छोटा है मंझला उसका नाम है कॉस थीटा और सबसे छोटा का नाम है टैन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, यही तीनों इसका नाम है। अब एक और दूसरे गांव में, एक घर में तीन लड़कियां हैं, एक दूसरे गांव में, एक घर में कोई तीन और लड़की है जिसका नाम है कोसेक, जिसका नाम है कोट, सेक, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
कोई दूसरे गांव में लड़का, ये तो एक किसी गांव में एक घर में तीन लड़के हैं, उसी तरह से दूसरे गांव में एक घर में तीन लड़कियां हैं, और जो जो ये तीन लड़के हैं और ये तीन लड़कियां हैं वो एक ही जात यानी एक ही कास्ट का है, तो इनको पिता त्रिकोणमिति को पता चलता है कि बगल दूसरे गांव में भी तीन लड़कियां हैं, मेरा भी तीन बेटा है, तो क्यों ना इन तीनों को आपस में शादी कर देते हैं। आप रिलेशन समझिएगा, रिलेशन से फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये तीनों का रिश्ता गया इनके घर, तो वहां पे पहले बड़े बेटे को बोला गया कि अब पहले सबसे बड़े तुम हो, साइन थीटा से पूछा गया कि सबसे बड़े तुम हो, तो पहले तुम ये तीनों बहन में से चूज कर लो कि तुमको कौन पसंद है। तो साइन थीटा बोलता है कि चलो ठीक है, जब हम सबसे बड़ा है तो इधर भी देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन लड़की है, उसी को हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा कौन लग रहा है, तो कौशिक, ये पांच अक्षर का, 1 2 3 4 5, ये सब तीन ही अक्षर का, ये पांच वर्ड का, तो ये बड़ा, तो साइन ने चूज किया कौशिक को। अब उसके बाद मंझला बेटा को पूछा जाता है कि चलो अब तुम्हारी बारी, साइन तो सेटल हो गया, अब आता है कौश के बारी, तो कौश बोलता है कि हम उसी से शादी करेंगे जिससे हमारा गुण मिलता, पूरा ना मिले लेकिन कुछ गुण जरूर मिलना चाहिए। तो देखा सब लोग कि इसमें भी सी है, इसमें भी एस है, इसमें भी सी और इसमें भी एस, तक कौश चूज किया शेख को, और टेन बच गया तो वो अंतिम में बच गया जो उसी को लिए टेन ने चूज किया कोट को। अब चूज करे चाहे ना करे, अच्छा रहे या ना रहे, छोटा वाले के लिए एक ही बच्चा तो वही उसके लिए ही हो गया। तो साइन की पत्नी यहां से जो कहलाएगी वो कौशिक थीटा कहलाएगी, कौश की पत्नी कहलाएगी वो शेख कहलाएगा कहलाएगी, टैन का पत्नी कोट कहलाएगी। इतना क्लियर? अब यहां से हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। तो चलिए, इतना रिलेशन समझ में आ रहा है कि साइन की पत्नी कौशिक, एक बार बोलिएगा, साइन की पत्नी कौशिक, कौश की पत्नी शेख, टैन की पत्नी कॉट, साइन कौशिक, कौशिक शेख, टैन कॉट। तो देखिए साइन थीटा यहां से, तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर जो साइन यहां से थीटा से, तो साइन थीटा बराबर होता है लंबवत भुजा बटा कर्म, यानी कि लंब बटा कर्म, बटा कर्म। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्म। अब देखिए, आप याद कीजिए कि अभी हम बताएं कि साइन थीटा की जो पत्नी है वो कौशिक थीटा है, तो साइन थीटा की पत्नी जो है वो कौशिक थीटा है। तो इसमें अभी फिलहाल जो रूल है ना वो ये रूल है कि पति पत्नी जो बोलती है पति को कि जो तुम जिस तरह से काम करोगे हम उसको उलट कर काम करेंगे, बस ये तीनों पत्नी का कहने का मतलब अभी यही है, बोलती है ये कि जो तुम जिस तरह से काम करोगे हम भी वही करेंगे लेकिन हम सीधा पलट कर काम करेंगे। तो साइन थीटा कि पत्नी कौशिक थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्म काम कर रहा है, तो ये कर्म बटा लंब से काम करेगी। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म, कॉस थीटा की पत्नी है सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। अब टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, लंब बटा आधार, टैन की पत्नी होती है कोट थीटा,
तो उल्टा काम करेगी, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहां से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोण थीटा आधार बटा लंब। इतना फॉर्मूला आपका होना चाहिए क्लियर अभी फिलहाल के लिए, टाइप वन के लिए बनाने के लिए केसी सिन्हा के बुक से ये। अब कुछ और फॉर्मूला है, पहले हम इसको अच्छे तरीका से बता दें। अब इसका एक ट्रिक, एक दो है ट्रिक मेरे पास, लेकिन मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको दूसरा ट्रिक भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो भी ट्रिक दे देंगे। तो फिलहाल एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है लाल, एल ए ए लाल बट्टा कक्का। बस इतना आपको याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। तो देखिए फर्स्ट में लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला गया, साइन थीटा का। फिर से आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला आ गया, कॉस थीटा का। और लंब बटा आधार जो आ गया वो आपका है टेन थीटा का। अब इसको पलट दीजिए तो आपका हो जाएगा उसका साइन का उल्टा कॉस है, कॉस के उल्टा से टेन का उल्टा कॉस। इतना तो आपका क्लियर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको कुछ और फॉर्मूला बताते हैं। तो चलिए आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम पहले इसको इरेज करते हैं। हम इसको इरेज करते करते कुछ बोलेंगे और आप साथ में बोलते चलिएगा। तो देखिए पहला बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की पत्नी जो है वो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा उल्टा काम करेगी तो कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस की पत्नी सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा की पत्नी होती है कोण थीटा, तो कोण थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब एक साथ बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोण थीटा बराबर आधार बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आपको स्पीड होना चाहिए सारे फॉर्मूला को, आपके पास सारे फॉर्मूला अच्छे से याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्लियर। अब देखिए हम पाइथागोरा जी का फॉर्मूला देते हैं, उससे आप लंब आधार कर्ण आसानी से निकाल लीजिएगा। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें पाइथागोरस एक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि इसका सबसे 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, लंबवत जो रहे वो लंब कहलाता है, आधार से जुड़ा वो आधार। उन्होंने एक बात बताई, पाइथागोरस जो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय का उत्पादन किया जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने ही इस प्रमेय को उत्पन्न किया, इसीलिए वो अपने नाम से रख दिए प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये बताया गया है कि कर्ण का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, क्या बताया गया कि ये जो कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा वो आपका ये दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होंगे। यानी कि कर्ण का स्क्वायर अब कीजिएगा
तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। यह एक प्रमेय में बताया गया है, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरक प्रमेय, पाइथागोरक प्रमेय। इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहां पे कर्ण का स्क्वायर, तो यहां से सिर्फ कर्ण बराबर आप लिख लीजिए, तो यहां से स्क्वायर है। अगर हम दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे तो यह स्क्वायर से रूट खत्म। तो कहने का मतलब कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। फर्स्ट फॉर्मूला यहां से ये हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कितना लोग होंगे वो बोल रहे होंगे, क्या पहले हम आधार का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे पहले आधार का स्क्वायर कर लीजिए, आप चाहे पहले लंब का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां से देखिए हम क्या बता रहे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से कर्ण का स्क्वायर माइनस, प्लस में है आधार का स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाएंगे तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह से इधर स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट चढ़ा देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट बराबर लंब का, सिर्फ लंब हो जाएगा। तो यहां से जो लंब बराबर आया अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, कर्ण बराबर आया अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहां बोलिएगा कि पहले हम माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो पहले हम आधार का स्क्वायर नहीं कर सकते? तो नहीं, जब भी कोई चीज घटता है तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटता है, और आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण में ही से ही तो ये सब घटेगा लंब आधार। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक और फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं, यहां से कर्ण निकालनी है, लंब निकालनी है। अब यहां से आधार बराबर भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए चलिए हम आधार बराबर भी निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब उसी तरह से कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है लंब का स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब इधर देखिए यहां पे डायरेक्ट हम रूट चढ़ा दे रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मैं जो गणित में जो नियम है वो कहता है कि आप जो बराबर के एक साइड कीजिएगा, वही आप अगर बराबर के दूसरे साइड भी करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आप इधर रूट चढ़ा रहे हैं तो इधर भी रूट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इधर माइनस का चिन्ह दे रहे हैं तो इधर भी माइनस का चिन्ह दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है वो हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे अगर यहां पे माइनस का चिन्ह दे दें और यहां पे भी माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस इधर आकर हो जाएगा ये माइनस इधर होकर होकर इधर बराबर के ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस काट के यानी फिर से वही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां से क्या कर रहे थे हम दोनों में, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इधर भी रूट चढ़ा दीजिए बराबर रूट आधार का स्क्वायर।
ये रूट से स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचा अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर से रूट खत्म। तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला आपका पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आपको 6, 3, 9 फॉर्मूला आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ प्रश्न कराएंगे। इतना फॉर्मूला से आपका कुछ प्रश्न टाइप 1 से टाइप 2 के बीच सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रश्न कैसे सीना से सोल्व कराएंगे, उसके बाद फिर वैसी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। आज इस क्लास को यहीं समाप्त।